सैयदे बुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद उस पे लाखों सलाम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम व अला आलिही व सहाबी अजमईन, अम्मा बाद। फकाल अल्लाह तआला फिल कुरानिल मजीद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबरीन। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मोहतरम सदर जमीयतुल उलमाए हिंद अरशद मदनी साहब और मुख्तलिफ़ उलमाए किराम का मैं इस पहलू से तकरीम और एहतराम करता हूँ कि मैं तो एक तिफले मकतब हूँ। आप हजरात ने जो इस हिंदुस्तान में कुर्बानियाँ दी हैं आपके अकाबरीन ने, और साथ ही साथ यहाँ के भाईचारगी को कायम रखने के लिए इस उम्र में, जबकि इंसान को तमाम उज्र रहते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि एक मुजाहिद की तरह हमारे ये सदर मोहतरम मुख्तलिफ जगह नज़र आते हैं। ये हम जैसे लोगों के लिए एक महमीज का काम देते हैं कि हमें भी कितना इस राह में आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जब इस मुल्क को मुसलमानों के इत्तेहाद की ज़रूरत हुई, उस वक्त भी आप मौसूफ और पूरी जमात मिलकर तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद के आगे के लिए पेश रहे। और हम वो चीज़ भी नहीं भूल सकते कि जब मुसलमानों में वो लोग जो बिला कसूर जेलों में ठोस दिए गए, अगर कोई सही मानों में जो जमात है जिसने उस घर वालों के आंसू पोंछने और उनको जेल से निकालने में कोशिश की है, तो वो जमीयतुल उलमाए हिंद है। अल्लाह ताला इनकी काविशों और कोशिशों को कबूल फरमाए। एक आखिरी बात, इस वक्त मुल्क जिस हालात से गुजर रहा है, तो इस बात की बड़ी ज़रूरत है कि कोई एक जमात मिलकर पूरे मसाइल को हल नहीं कर सकती। हर एक के अपने नुक्ते नज़र हैं और वो उसी एतबार से अपना काम करते हुए हम कुछ कॉमन एजेंडे पे मिलकर अगर तमाम जमातें पूरे हिंदुस्तान भर में काम करेगी, तो वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह इस उम्मत को अल्लाह ताला वही सुरखरुई अता फरमाएगा जो आज से पहले अता हुई थी। शर्त यह है कि हम उस इत्तेहाद का मुजाहरा करते हुए आगे बढ़ें। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला इन हजरात की कोशिशों को कबूल फरमाए और हमारी सरपरस्ती भी करने की, हमारे हमें उनकी सरपरस्ती लेने की सआदत नसीब फरमाए। वा आखिरु दावाना अल हम्दुलिल्लाह।